को मेरा नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज भट्ट, आप देख रहे हैं टेक्निकल भट्ट जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, आप लोग मैं बताता हूँ, यहाँ पर अपने थंबनेल में देख लिया होगा सीएससी के लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों मेरे को यहाँ पर एक्सपीरियंस है सीएससी के बारे में, क्योंकि मैं सीएससी पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ काफ़ी लोगों का, इसीलिए आप लोगों से बोलता हूँ कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है उस चीज़ के बारे में आप लोगों को यहाँ पर रेडी करवा देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बगल में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर दें। सबसे पहले पहला है, आपकी ग्राम पंचायत में एक सीएससी होनी चाहिए, अगर नहीं है तभी आप अप्लाई करें, अगर है तो दोस्तों आप दूसरी ग्राम पंचायत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पर लोकल रेजिडेंटल होने चाहिए, लोकल आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होने चाहिए, मूल निवास होने चाहिए, ठीक है। और नंबर दूसरा, आप लोगों के पास यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, ठीक है, और कंप्यूटर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, कंप्यूटर और आपका ऑफिस यहाँ पे होना ज़रूरी होगा, ठीक है। और स्थायी निवास प्रमाण पत्र मैंने जैसे कि आप लोगों को बता दिया, और एक मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर और फिंगरप्रिंट मशीन, ये सीएससी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और उसके साथ साथ आपके पास नेट कनेक्शन, और नेट कनेक्शन होने के बाद आप लोग इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उसमें बैंक पासबुक भी होना ज़रूरी है और पैन कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट्स, मिनिमम इसमें 10वीं पास होना ज़रूरी है। आप लोगों को यहाँ पर इंग्लिश आनी चाहिए थोड़ा बहुत, जिससे आप अपना काम कर सकें। सभी डॉक्यूमेंट्स इसमें आप लोगों को रख लेना है, इसे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस वेबसाइट के माध्यम से। ये वेबसाइट आप लोग देखते हैं, डिजिटल सेवा .cst.government.in। दोस्तों ये गवर्नमेंट्स की वेबसाइट है और ये गवर्नमेंट्स का पोर्टल होता है, ये भारत सरकार का केंद्र होता है, ठीक है, भारत सरकार का होता है सीएससी। सीएससी का पूरा नाम होता है कॉमन सर्विस सेंटर। और किसी प्रकार की सहायता के लिए हम लोग से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे, ठीक है। और इसमें बहुत सारी योजनाएँ आती हैं, इसमें जैसे गवर्नमेंट्स का योजना भी आती है, प्राइवेट योजना भी आती है, बीमा है, इंश्योरेंस है, और इसमें अनेक प्रकार की इसमें सर्विसेज दी जाती है आप लोगों को। उन सर्विसेज के बारे में मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। आज मेरा यही टॉपिक था कि इसमें जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है मिनिमम, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे क्या क्या है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र नंबर एक, जन्म प्रमाण पत्र दो, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और प्लस आपका बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को सब रख लेना है आपको यहाँ पे, तभी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर भी जो डॉक्यूमेंट्स मांगता है उसे आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इससे अपलोड रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको TEC का रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, पहले से ऐसा नहीं था लेकिन अब TEC का रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी हो गया है, जिसकी एग्ज़ाम फीस जो है आप लोगों को यहाँ पर बताया था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की 1150 के आसपास है, तभी आप लोगों को यहाँ पर इसमें CSC पर रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, अन्यथा यहाँ पर CSC पर रजिस्ट्रेशन आप लोग नहीं कर पाओगे, ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पर स्पष्ट बता देता हूँ। इसका अप्रूवल गवर्नमेंट की तरफ से होता है, इसमें जो है लोकल कोई यहाँ पे जो आपका DM होता है CSC का, उसी ये इस ID को अप्रूवल करता है। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर हो जाते हैं, आप लोग TEC का रजिस्ट्रेशन पास कर लेते हो, तभी इसमें आप लोगों को मिल पाएगा, ठीक है, अन्यथा आप लोगों को इसका रजिस्ट्रेशन करने पर कैंसिल भी हो सकता है। किसी प्रकार की सहायता के लिए हम लोग से पूछ सकते हैं, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो मिलते हैं आपको जल्दी नई वीडियो नई टॉपिक में, आज का हमारा यही टॉपिक था, कोई भी सवाल आपका है तो आप में ज़रूर बताएं। तो थैंक यू।